नमस्कार, पुष्पा मिश्रा, प्रधानाचार्य सरस्वती बालिका विद्या मंदिर मालवीय नगर गोंडा। सरस्वती बालिका विद्या मंदिर मालवीय नगर गोंडा में दिनांक 20/7/2020 से 27/7/2020 तक बालिका शिक्षा सप्ताह मनाया जाना निश्चित हुआ है। इस बालिका शिक्षा सप्ताह का उद्देश्य यह है कि बालिका में निहित नैसर्गिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक जो स्त्रियोचित गुण है उसको विकसित करना है, क्योंकि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो समान शिक्षा समान अधिकार का पाठ्यक्रम है वो अर्थ केंद्रित पाठ्यक्रम है। इस अर्थ केंद्रित पाठ्यक्रम के नाते करियर की भावना से, करियर की जुनून से बालिका भागम भाग से अपनी अस्तित्व एवं नैसर्गिक गुणों को भूल सी गई है, उसका पतन होता जा रहा है, ह्रास होता जा रहा है, जिसके कारण हमारा परिवार समाज पतनोन्मुख हो गया है। आज की बालिका भावी गृहिणी, प्रशासिका, जननी है और उसके वह अपने सुसंस्कृत व्यक्तित्व से स्वयं अपना, परिवार, समाज एवं देश का कुशल नेतृत्व कर सकती है। एक बालिका दो दो कुलों को, क्या कहें, बल्कि तीन कुलों को उजागर करने वाली होती है। एक सुसंस्कृत बालिका से तीन कुल, तीन परिवार सम्मानित होता है, उजागर होता है। एक परिवार जिसमें वो जन्म लेती है, एक परिवार जिसमें वो ब्याह कर जाती है, उस परिवार को अपने कुशल नेतृत्व से, संचालन से स्वर्ग बनाती है, और तीसरा परिवार वह जहाँ उसके द्वारा जन्म दी हुई सुसंस्कारित बालिका जा करके फिर उस घर का संचालन निर्माण करती है। इस प्रकार नारी को महान माना गया है। नारी का आपको ये बोध होना चाहिए कि मैं बालिका हूँ, मैं सर्वोपरि हूँ, सृष्टि मुझसे है, क्यों इसीलिए कहा भी गया है नर से नारी भारी है, क्योंकि इसमें दो दो मात्राएं भारी हैं। इसका बोध कराने के लिए ही विद्या भारती विद्यालय ने बालिका शिक्षा को आगे बढ़ाने का योजना बनाया है और इससे सृष्टि का अच्छा संचालन हो सकता है। बालिका पढ़ लिख करके भले ही डॉक्टर, इंजीनियर, कुशल प्रशासिका बन जाए, किंतु सबसे पहले वो गृहिणी है, माँ है, पत्नी है, तो किस तरह से उसे अपना गृह संचालन करना है, कैसे सूझबूझ से अपने परिवार समाज का नेतृत्व करना है, इस निमित्त बालिका सप्ताह भर बालिका विद्या मंदिर में विभिन्न विषय वस्तुओं के माध्यम से बालिकाओं को प्रेरित करना, उनके अंदर अंतर्निहित जो बालकोचित गुण है उसको परिलक्षित कराना है। हमारे विद्यालय की आचार्य बहनें प्रत्येक दिवस पर विभिन्न विषय वस्तु वीडियो के माध्यम से देंगी, जो इस प्रकार से है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन, आदर्श दिनचर्या, संतुलित आहार, रसोई से दवाई। आज इस वैश्विक महामारी में हम फिर अपनी पुरानी परंपरा पर आ गए, दादी माँ के नुस्खे जो भूल चुके थे, आज उसी नुस्खे के द्वारा कोरोना जैसे महामारी को मात दे रहे हैं। तो इन सब बिंदुओं पर हमारी आचार्य बहनें अपनी विषय वस्तु रखेंगी, आधुनिकता बनाम पाश्चात्यकरण। आधुनिकता की आवश्यकता है, अपग्रेड होना है, लेकिन किसी चीज का अंधानुकरण नहीं करना, ये विषय। आत्मरक्षा के गुण जो बालिका के लिए बहुत ही आवश्यक है, स्वावलंबी बालिका। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी स्वावलंबी भारत की कल्पना की है, ऐसी कल्पना को उजागर करने के लिए उनकी बालिका को भी स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा से ट्रेलरिंग, कटिंग इत्यादि विषयों पर प्रशिक्षण हमारी आचार्य बहन देंगी। साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता, साइबर जिसकी सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग करना हमारे लिए नितांत आवश्यक भी हो गया है, और उस आवश्यकता को
कैसे अपनी बचाव करते हुए प्रयोग करना है, इन सब बिंदुओं पर हमारी आचार्य बहने वीडियो के माध्यम से विषय वस्तु देंगी और छात्रा बहनों से भी इन दिनों में क्रियात्मक कौशल के कार्यक्रम कराए जाएंगे, जैसे कबाड़ से जुगाड़, केश सज्जा, सुसज्जित सलाद निर्माण, थाल सज्जा, कलश सज्जा, रंगोली, सिलाई कटाई बुनाई की फाइल तैयार कराना, इस प्रकार से राखी निर्माण, विभिन्न ऐसे सोपान है जिन पर हमारी छात्रा बहनें अपने क्रियात्मक कार्यों को कर करके ऑनलाइन भेजेंगी। हमें आशा है कि ईश्वर की कृपा और आप सभी बड़ों के आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम सफल देगा, अच्छा परिणाम देगा। धन्यवाद।